गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्विज की, जिसमें हमने एनवायरनमेंट एंड लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है वो लिए हैं। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ UNEP। UNEP की आपको पहले फुल फॉर्म पता करनी है, तो यहाँ पर याद रखिए कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। सो इसका हेडक्वार्टर बताना है आपको कहाँ पर है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, नैरोबी दिया है, पेरिस दिया है, टोक्यो दिया है, बीजिंग दिया है। तो सबको पता होना चाहिए आपको, बीजिंग आपका चाइना में है, टोक्यो आपका जापान की राजधानी है, पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है, नैरोबी आपकी कीनिया की राजधानी है। तो आपको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर बताना है। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और कल का जो आंसर था वो आपका डोमिनिक थीम था, जिसने जो है आपका अमेरिकन ओपन जो है वो जीता है, और नाओमी ओसाका ने फीमेल्स में अमेरिकन ओपन जीता है। तो बायोलॉजी क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी जीन्स आर प्रजेंट इन एस्कर्शिया कोलाई। एस्कर्शिया कोलाई में कितने जीन्स प्रजेंट होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 3200, 13000, 450 और 50000। तो देखिए, जो एस्कर्शिया कोलाई होता है उसमें कितने जीन प्रजेंट होते हैं? वो 3200 पर जीन्स प्रजेंट होते हैं। सी, यहाँ पर 50000 जीन्स देखिए, तो ओराइज़ा सटाइवा आपको नाम बताना है इसका क्या होता है, क्या राइस होता है। अगर राइस होता है तो यस लिखें, अगर नो हो राइस नहीं होता है तो नो लिखें। तो ओराइज़ा सटाइवा में 50000 जीन्स जो है होते हैं। उसी तरह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें 13000 जीन होते हैं ड्रोसोफिला में, ठीक है, जिसके ऊपर जो है स्टडी की थी मॉर्गन ने, ठीक है। उसी तरह से 450 जीन्स जो होते हैं वो आपके माइकोप्लाज्मा में होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो माइकोप्लाज्मा में आपके 450 जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें जो है आपके 45000, 31000 से लेकर 45000 तक जीन्स जो है वो इस रेंज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो एस्कर्शिया जो कोलाई है उसमें कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाय। तो देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का वो किसने दिया है? सो सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करता हूँ, नॉर्मन बोरलॉग। आपको याद रखना है कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड एग्रीकल्चर, ग्रीनरी, वीट एंड जो आपका राइस था इसमें जो है लिया गया था, ठीक है, उसको जो है प्रायोरिटी दी गई थी। और इंडिया में अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो आपका MS स्वामीनाथन द्वारा चलाया गया था। नॉर्मन मेयर्स याद रखें कि हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट था वो इन्होंने दिया था। डब्ल्यू जी रोजन आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो इन्होंने दी थी। सो यहाँ पर याद रखें कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायो मीन्स होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, जहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट और एनिमल्स जो है वो रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपके कहाँ पर है? वो ब्राज़ील में है, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर बहुत फेमस जो है एक फॉरेस्ट है, अमेजोन के फॉरेस्ट, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ी नदी है, विश्व की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने, काफ़ी घने जंगल हैं यहाँ पे, और ब्राज़ील जो है बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा है। और नॉर्मन मेयर्स से रिलेटेड आपको हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी याद रखना है। तो हॉटस्पॉट्स होते क्या है वैसे? जनरली ऐसा एरिया जहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी रिच है, यानी कि ज़्यादा है, और लेकिन वहाँ पर जो है थ्रीट हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट थ्रीट हो रहा है स्पीशीज़ का, ख़त्म होने का कगार पर आ रही है, तो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मन मेयर्स इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डिजिटलिन अ ड्रग इज यूज फॉर क्योर ऑफ हार्ट एलमेंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम। जो डिजिटलिन ड्रग है वो एक तरह से जो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन इसका डिजिटल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डिजिटलिस एक नामक ट्री है, उससे जो है डिजिटलिन नामक जो है एक तरह से ड्रग निकलती है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टेक्सस बेकेटा, टेक्सस बेकेटा से जो है आपका टैक्सोल निकलता है, या फिर टेक्सस ब्रेविफोलिया, ब्रेविफोलिया इससे भी आपका टैक्सोल ही निकलता है। ये जो एक टैक्सोल है ये एंटी कैंसर ड्रग है। क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंकोना ट्री, चिंकोना ट्री जिससे हमारे को क्यूनोन मिलता है, क्यूनोन, क्यूनोन जो है एक तरह से मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ की जाती है, ठीक है, चिंकोना ट्री से मिलती है क्यूनोन। ओपियम, ओपियम भी आपका जो है क्वेश्चन था। लेटेक्स, लेटेक्स जो ड्राई लेटेक्स होता है ओपियम पॉपी का, उससे मिलता है, ठीक है। तो ये ओपियम जो है मॉर्फिन जो ड्रग होती है उसको बनाने में हेल्प करती है। मॉर्फिन एक तरह से एनालजेसिक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डिजिटलिन जो ड्रग है वो आपकी हार्ट एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैं एसिनोक्स नोमिक्स जुबेटस का नाम बात करता हूँ, तो ये है साइंटिफिक नेम आपका चीता का। तो जो चीता, जो इंडियन फास्टेस्ट मैमल था, जो 1994 में लास्ट टाइम जो है दिल्ली के जू में था और उसके बाद जो है ये मर गया था, ठीक है, तो उसका नाम था ये। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, एसिनोमिक्स जुबेटस, तो ये चीता है पुराना। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया आपने सुना होगा, एक खेजरी नामक ट्री होता है, खेजरी नामक ट्री उसका नाम है ये, ठीक है। फाइकस रेलियोग्योसा, तो जो आपने पीपल का पेड़ देखा होगा तो वो आपका फाइकस जो होता है वो ट्री होता है, तो उसको बोलते हैं पीपल का पेड़। पीपल का जो पत्ता होता है ना वो भारत रत्न का भी एक तरह से चिन्ह है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओसिमम सेंक्टम, ओसिमम सेंक्टम को बोलते हैं हम तुलसी, ठीक है, तुलसी बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकना, तो ये आपका जो है अमेरिकन कॉकरोच होता है, जो अमेरिकन कॉकरोच उसको बोलते हैं, ठीक है। जो एक तरह की ग्रास आती है पार्थेनियम, पार्थेनियम ये होती है आपकी कैरेट ग्रास, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जैसे मेरे पास कोई, जैसे आपका ग्रेट वन हॉर्न रिहोनोसोरस हो गया, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है असम में, तो रिहोनोसोरस यूनिकॉर्निस उसको बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ साइंटिफिक नेम बताया मैंने, होमोसेपियंस जो है आपका ह्यूमंस का नेम है, आपका जो मैंगीफेरा इंडिका है मैंगो का नेम है, ठीक है। पाइसम सेटिवम में भी पी का नेम है, क्या मैं सही हूँ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। और मैंने ओरिजा सेटिवा भी आपसे पूछा है, उसका भी आंसर मेरे से कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंसीटू कंजर्वेशन। इंसीटू कंजर्वेशन सबसे पहले बात की जाती है कि क्या होता है। सबसे पहले मैं इंसीटू कंजर्वेशन की ही बात करूँगा, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं या फिर किसी द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंसीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इंसीटू कंजर्वेशन में आपके सैक्रेड फॉरेस्ट्स आते हैं, ठीक है, या फिर सैक्रेड लेक्स आती हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखें। सैक्रेड फॉरेस्ट जिसकी आप पूजा करते हैं, जैसे आपके ट्राइबल वाले इलाके होते हैं तो वो एक तरह से सैक्रेड फॉरेस्ट्स होते हैं, या फिर किसी मतलब मंदिरों के किनारे जो है वो झील होती है वो भी सैक्रेड लेक होती है, ठीक है, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह से दूसरा जो है इंस्टीट्यूटों में बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स एक तरह से रिजर्व होते हैं जहाँ पे एनिमल की प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जोन्स होते हैं, 3-4 जोन्स, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो तीसरे आते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, नेशनल पार्क्स जो आपके जहाँ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी बेटर लाइफ के लिए रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन जो है वो परमिट नहीं होता है। सो यहाँ पे नेशनल पार्क्स के बारे में आपको ये याद रखना है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है, साथ ही साथ वहाँ पे जो है फॉरेस्ट्री के लिए भी और ग्रेजिंग के लिए भी और कल्टीवेशन के लिए भी परमिट किया जाता है। सो यहाँ पर जो है इंसिटू कंजर्वेशन में फील्ड जीन बैंक्स नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो फील्ड जीन बैंक्स जो है वो आपके एक्ससीटू कंजर्वेशन में है, हालांकि ये भी प्रोटेक्टेड होता है लेकिन इतना ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रख जाता, क्योंकि ये एक तरह से बैंक की तरह काम करता है, जैसे बैंक में पैसे रखने के काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या आते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स आ गए आपके, ठीक है, आपके जूज आ गई, ठीक है, जैसे होम गार्डन्स आ गए आपके, ठीक है, या फिर सेक्रेड प्लांट्स को रखने के लिए म्यूजियम्स वगैरह आ गए, ठीक है, जैसे फील्ड जीन बैंक आ गया, क्रायो प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक आती है, ठीक है, वो आ गई, टिश्यू कल्चर की टेक्निक आती है वो आ गई, सीड बैंक्स आ गए वो आ गई। तो ये सब का काम क्या है, ये आपका एक्सेस इनटू कंजर्वेशन में ही आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो देखिए, जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था उन्होंने नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को और गार्डन्स को स्पॉन्सर करने के लिए, उनको सेट करने के लिए काम किया था। और उसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट में भी, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट भी वाइल्ड लाइफ की ओर खींचने का काम किया था। और तीसरा काम क्या था इनका, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी ये इनका काम था। तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आपका 1952 में हुआ था, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो आपका वाइल्ड लाइफ वीक होता है वो आपका 1955 से मनाया जाने लगा। तो वाइल्ड लाइफ वीक कौन सा होता है, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो ये आपको याद रखना है कि जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, 1 से 7 सितंबर तक, तो वो न्यूट्रिशन वीक होता है, न्यूट्रिशन वीक होता है। और जो इस बार सितंबर जो माह मनाया जा रहा है वो न्यूट्रिशन जो है वीक ही, न्यूट्रिशन जो है मंथ मनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके तहत जो है काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी, जैसे हंटिंग जो है बैन कर दी गई थी, ट्रेड जो है वाइल्ड लाइफ का, एनिमल्स का, वो बैन कर दिया गया था, ठीक है, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को दोबारा से क्रिएट करने के लिए बात कही गई थी, और जम्मू कश्मीर जो है उसके अंदर नहीं आया था, ठीक है, J&K जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेंगलोर में ही है इसका शायद हेडक्वार्टर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें आपकी जो है इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज यानी कि स्पीशीज़ के ख़त्म होने के जो है कौन से मोस्ट कॉमन करेक्टर्स हैं। तो देखिए, हंटिंग सबसे पहला मोस्ट कॉमन करेक्टर फैक्टर होगा, दूसरा डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो भी एक तरह से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ का फैक्टर होगा। तीसरा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, वो भी एक तरह से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ का फैक्टर होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया इज नोन फॉर स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, इनमें से कौन सी जो लेक है वो इंडिया में माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए जानी जाती है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जानी जाती है। तो देखिए, चिल्का लेक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, चिल्का लेक जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए
जानी जाती है, मेनली जो है फॉल्स वगैरह जो होते हैं आपके डक्स वगैरह, क्रेन्स वगैरह या फिर फ्लैमिंगोज वगैरह, उनके लिए जानी जाती है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सारे के सारे। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चिल्का लेक आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। वुलर लेक, वुलर लेक आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक J&K में। सांभर लेक, मैरीन लेक, ठीक है, राजस्थान में। डल लेक आपको ऑप्शन में बताना है कि कहाँ पर है, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, क्या ये जम्मू कश्मीर में है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी जोन्स आर प्रेजेंट इन बायोस्फीयर रिजर्व, कितने जोन्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स जो ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, तो इसमें जो जोन होते हैं वो डिवाइड होते हैं। कुछ जोन ऐसे होते हैं जिसमें आप जो है कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हैं, और कुछ जोन होते हैं वो वहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इनके तीन जोन्स होते हैं, फर्स्ट होता है कोर जोन, ठीक है, बफर जोन सेकंड, और मैनिपुलेटिव जोन थर्ड होता है, ठीक है। कोर जोन जो है आपका बिल्कुल अंदर वाला जोन होगा, ठीक है, फिर बीच वाला जोन जो होगा वो बफर जोन, और लास्ट वाला मैनिपुलेटिव जोन। जो मैनिपुलेटिव जोन है आपका, वहाँ पे आप थोड़ा सा जो है ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं, बफर जोन में थोड़ी उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और कोर जोन जो होता है वहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। तो कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटी, तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी बफर जोन में, और जो है मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है मैनिपुलेटिव जोन में होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि जो घने जंगल होते हैं, गो जोन होता है, वहाँ पर जो है ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से उनको जो है प्रिजर्व करने के लिए ये बनाए गए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, सबसे पहले पेरियार नेशनल पार्क, ये आपका केरला में है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। मे बी जो एक बंदीपुर नेशनल पार्क है वो आपका एलिफेंट्स के लिए फेमस है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जो दादाजी नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आपके जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अभी चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी कीनिया में। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पेरिस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सो आज के वीडियो में जो है हमने इतने क्वेश्चंस किए थे, 10 क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।